गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपनी एक वीडियो को एंड किया है और अभी मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर, जो कि आप लोगों को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया दिया है। तो थोड़ा सा ही दूर पे है मेरे चाची का घर, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5-6 कदम चलने हैं और उनका घर आ जाएगा। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से चाची को बोल रही थी मैं आपके घर पे आऊँगी और अब मेरा जाने का टाइम भी हो गया है ससुराल, तो मुझे लगा अब जाना ही चाहिए चाची के घर। और कल परसों है होली, तो मुझे लगा कि अभी चले जाना सही है क्योंकि होली के बाद फिर मन भी नहीं होता जाने का, तो मैंने कहा अभी चले जाती हूँ, आज वहीं रहूँगी। तो अभी टाइम हो रही है 6 बज रही हैं शाम की और यहाँ पे मतलब पहले तो हो जाता था अंधेरा यार 5 बजे तक, बट अभी तो ठीक है मौसम। सो अभी मैं निकल रही हूँ अपने घर से और शायद से आपको पीछे मेरी माता जी दिखाई दे रही होंगी, मे भी दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। सो चलो चलते हैं। और ये है हमारा गौशाला और यहाँ पर मैं आपको अपनी गाय भैंस से मिलाना चाहूँगी। ये है हमारी गाय, इसका नाम है काली और उसका नाम है गोली। तो ये है हमारी गाय, वो है हमारी काऊ, सॉरी वो है हमारी बेफेलो, काऊ तो वो है। और अब चलते हैं हम सीधा चाची के घर। ये देखो ये मेरे पीछे पीछे जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ ये आ जाता है, तो चलो चलते हैं। और ये है हमारे घर के आसपास का व्यू, शायद से मैंने आपको इधर का नहीं दिखाया है, इधर हमारे गौशाले से साइड का है ये। कुछ इस तरीके के लोकेशन है और यहाँ पे आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। शाम तक तो धूप थी, आपने पहले देख ही ली होगी, दोपहर में धूप थी, बट अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो। सो गाइज ये है हमारा पुराना सा स्कूल, पहले मैंने 10th की पढ़ाई ना यहाँ पर की थी, अभी तो इसकी टीन वीन सारी उड़ गई है, बट हमारा 10th तक मैंने यहीं पढ़ा था, उसके बाद हमारा ऊपर स्कूल बन गया था। सो ये देखिए हमारे घर के आसपास का व्यू और वो सामने पे रहा हमारा घर, वो पेड़ों का दिख रहा है, यहाँ से मैं आई हूँ वो है हमारा घर। सो ये है पूरा इलाका बौली का, तो चलो चलते हैं। और अभी मैं अपनी यहाँ पे ना, और गाइज अभी मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड है मेरी फ्रेंड पूजा, जिसका जिसके घर में पहले गई थी देहरादून में, उसका ब्लॉग भी आपने देखा होगा, तो उसका यहीं पे माइका है, तो उसके घर पे जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं शायद से शूट ना करूँ, तो सीधा चाची के घर आपको मिलती हूँ, ठीक है। हेलो बोल। हेलो, अपना नाम बता, अपना इंट्रोडक्शन कर। ये मम्मी है। लड़की पढ़ाई कर रही है, क्या पढ़े तो क्या समझ में आ रहा? हाँ तू बोल रही होगी, ये क्या लिखा है तूने, ये क्या है, इतने इतने स्पेस नहीं छोड़ते बेटा, साथ साथ मिलाओ उनको, और सारे तूने कैपिटल में स्मॉल में लिख। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सो गाइस मैं आ गई हूँ चाची के घर पे और अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अंदर, हमारे भैया जी मेरे लिए खाना बना रहे हैं। तो सो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे आस्था के साथ, आस्था कर रही है पढ़ाई और हमारे भाई साहब मेरे आने पे बना रहे हैं खाना, सुभाष भैया, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने इतना बड़ा बिंदा लगा दिया, ये चाची ने दिया मुझे, बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रहा है।
तो चलो मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, चलती हूँ आगे, आप पढ़ाई करो ठीक है, मैं जा रही हूँ वहाँ आपके पापा के साथ, ठीक है, देखते हैं पापा आज क्या बना रहे हैं अपनी बहन के लिए, तो चलो चलते हैं। ऐसा कल लगा ना बिंदो कल लगा दिया आई कन्नी हो गया पापा नहीं कत्ती बड़ो ये मुंह पनी देखो बड़ो मैं लगाए तो पैसा से जाओ सुनो दी ये बुवा दे दे तू मां का सामान दे छे पे नीले को बड़ो मैं वही बता मां का सामान ते पे बड़ो चाचा है नहीं कौगेरे भाग लाइट दिखे कम था बे तुम बोलो क्यों मैं तू मैं खाना बना रहा हूँ ना मैं यहाँ पे जो है खाना सब्जी हमारे लिए सब्जी बन रही खाना बना रहे हैं और ये जो है पार्टी हो रही है पार्टी 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 हो रही है पार्टी हाय बोल तू भी बोल हाय बोल हाय कर हेलो कर ऐसे करो हेलो ये तेरे पापा क्या करे पापा क्या कर रहे हैं ये जो है हम खाना बना रहे हैं क्या चीज बनी हो कल्याण बना रहे हैं हम कल्याण कल्याण क्या हो कल्याण जो है कल्याण बाल सर में तेरे पापा खाना बना रहे हैं सबके लिए इससे बढ़िया है कुंवारे रहो आनंद रहो मजे करो मौज मस्ती करो शादी करके कोई फायदा नहीं खाना खुद ही बनाना पड़ता है खाना खुद बनाना पड़ता है मैं इधर आप लोग मत पछताओ आपका क्या कहना है सही बात है झूठी बात झूठी बात आज बना रहे हैं अपनी प्यारी बहन के लिए जो यहाँ आ रखी बन उसके लिए मटर पनीर बन न बन होने के इसलिए कह रहे हैं कि आज मैं बनाऊंगा होने तुम शायद बाबा जी तो अब भाभी हो गई सीट पे खड़ी है भाभी बना रही है सीट पे आ गई हूं तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है लाइट का नमस्कार मैं बोल रहा हूं हां आज सुबह में बोल ना नहीं सुबह तो जल्दी चले जाओगे ना बहन कितने बाकी जो तैयारी कर दे वो चलो बड़ा दे पांच वो बड़े लोग चलो तब हमको डिस्टर्ब नहीं करते हम चलते हैं बाहर हाँ ही कर दो चलो अब मैं आपको थोड़ी देर में अपनी पुरानी फोटोज दिखाऊंगी अपनी सिस्टर इनकी शादी की ठीक है सो चलो आप चाची से मिलते हैं इधर चाची भी कुछ बोले चाची तुम बताओ कुछ कुछ कैसा लग रहा है बेटा बहू खाना बना रहे हैं अच्छा लग रहा बेटा बहू आने के बाद रेस्ट मिल जाता है हाँ। बहुत ज्यादा देख लो बेटा बहू आने के बाद ऐसे सो जाते हैं सभी लोग हमारा भी टाइम आएगा कभी अभी हमारा टाइम नहीं है खैर सर और कुछ बस अब क्या बोलना खाना मिलेगा थोड़ी देर में खाना खाऊंगी फिर सो जाऊंगी पूरा दिन यही है हैं पंकु तो ये है 18/5/2011 की फोटो ये है हमारी बड़ी दीदी की दीदी और जीजा जी यानी कि संध्या जो है मेरी सिस्टर कजन सिस्टर बोल सकते हैं कजन सिस्टर है मेरी ये तो चलो आप दिखाते हैं
कुछ कुछ दिखाऊंगी मैं आपको फोटो। यहाँ पे सबसे पहले ये है हमारी दादी, थोड़ी सी दिख रही है दादी जी, लेट हुई नहीं दादी मैं बोला था, ये है दादी जी, दादी नहीं ना, ये मम्मी ताई चाची दादा भी हो ये भी दीदी समझ गए तो आज हमने मूल बनाया कि उनकी एल्बम देखूंगी, आ गई अब मेरी फोटो 2011 की। ये पता नहीं कौन है लड़की, मैं पहले बता चुकी हूँ, ये मैं हूँ। और यहाँ पे हम एल्बम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं एल्बम यहाँ पे हम एल्बम देख रहे हैं और हमारे भाई साहब खाना बना रहे हैं हमारे लिए। ये कैसे रो रही है वो देखो, वहाँ शीशे में बाहर नहीं आ रही इसकी आवाज। तो ये संध्या की शादी की फोटो है, यहाँ पे ऐसी थी मैं 14 की है ये। तो गाइस आ गई हूँ मैं चाची के घर से, और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कल मैं गई थी चाची के घर पे और काफ़ी अच्छा रहा शूट करने के। मैंने सोचा कि मैं शूट और करूँ बट शूट नहीं हो पाया, क्योंकि होता है ना यार अगर फैमिली के पास गए हैं अब अच्छा लगता मुझे, क्योंकि थोड़ा चाची लोग भी शर्माए रहते, इस वक्त मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा शूट किया जो मैं आपको दिखा दिया इस वीडियो में। सो बस काफ़ी अच्छा रहा मेरा वहाँ पे दिन, मतलब चाची के घर पे काफ़ी अच्छा खातिरदारी हुई मेरी। और बस अभी आ गई मैं अपने घर, सामने पे घर है मेरा, नीचे पहुंचने वाली हूँ घर पे। तो चलो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपको मिलती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को मेरा होली का ही व्लॉग मिलेगा, तो चलो मिलते हैं होली वाले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, तो इन्जॉय करो आप लोग होली को, साथ ही साथ सेफ भी रहिए क्योंकि कोरोना फिर से स्टार्ट हो गया है, तो बी सेफ ओके। ये बुआ आने की खुशी हो गई बच्चे को, मेरी बुआ गल आ गई, बोले मेरी बुआ गल आ गई भाई, मनु बुआ गल आ गई, अरे कितना खुश हो रहा है भाई, कितना खुश हो रहा है, मेरी बुआ गल आ गई, मेरी बुआ गल आ गई, ओ बोला बच्चा मेरा कुतु 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 पाई कुतु पाई, आ जा बुआ के पास, आ जा बाबू, आ जा बाबू।